गोरखपुर के चौरी चौरा सरदार नगर ब्लॉक में इस समय खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं उनको 1,20,000 ग्रामीण अंचल के लोगों को दिया जाता है और शहरी को लगभग 2 लाख से ऊपर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है गांव में जिस तरह पैसा दिया जा रहा है गाँव वालों का ना, उससे उनका कार्य नहीं हो पा रहा। उनकी मांगे हैं कि क्यों शहर और ग्रामीण में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे साथ गवर्नर के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं। प्रधान जी, क्या मांगे हैं आपकी? आप कमलेश पासवान से भी मुलाकात किए थे, ज्ञापन दिए थे, क्या कुछ कहे? क्या जी सर, हमारी संगठन जो है हमारे माननीय मंत्री जी को एक विज्ञापन दिया गया है आवास को लेके। जो ग्रामीण और सिटी में जो आवास की योजना आई हुई है, सिटी में लगभग 2.5 लाख रुपया आवास आ रहा है और हमारे यहाँ ग्रामीण में 1,20,000 रुपया प्लस 20,000 मजदूरी आ रही है। दिक्कतें उससे भी ज़्यादा हमारे ग्रामीण में यह है कि जो हमारे यहाँ की जो महिलाएँ हैं, गरीब पात्र जो लोग हैं, किसी तरह अपना गहना भी रख के बांधे, कोई खेत अपने बांधे रख के, कोई समूह से कर्जा लेके किसी भी हालात में वो 6 फुट 7 फुट दीवार चला के वो शेड डाल दिया है, उसमें अपना गुजारा कर रहा है। सरकार के मानक के हिसाब से वो लोग आवास नहीं पा पा रहे हैं, इसलिए सारे गांव के लोग प्रधान के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं कि हमको आवास नहीं मिल रहा है। अब सरकार तक हमारी मांगे यह भी है कि सरकार लोगों को आवास देना नहीं चाहती और प्रधान के ऊपर खेल खेल रही है। इसमें प्रधान ही बदलाव हो रहा है कि आवास नहीं दे रहे हैं। अब हम उम्मीद भी करते हैं कि आप यहाँ की ग्रामीण की महिलाएं हैं, इन लोगों से थोड़ा आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम आपके साथ थोड़ा बात। आप स्थानीय यहाँ के अरे विधायक भी हैं सरवण निषाद, उनसे इस मामले को लेकर आपने कुछ कहा? जी सर, ये मामले के लिए मैं फ़ोन पे उनसे बात भी किया था, लेकिन यह मुद्दा जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, जब तक ये सांसद भी नहीं पहुँचेगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। कमलेश पासवान जी से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों की मांगे पूरी हो। और भी ग्रामीण महिलाएं, उनसे जानते हैं क्या समस्याएं हैं और क्या कहना है इन लोगों का, क्या समस्याएं हैं? हमनी के घर द्वार नहीं बा जानी, हमन को ऐसे पतरा डाल के रहा तनी के। हाँ, तो आपने प्रधान जी से कहा कि हम कहले रहनी दिक्कत नहीं, हमनी के आवास नहीं देव के। अच्छा, कब से आप दौड़ रही हैं, नहीं मिला अभी तक? कितना दिन हो गया? एक दो महीना से करते नहीं के। हाँ। और भी महिलाएं उनसे जानते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग को क्या नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, हम लोग कटरैन डार करके लड़ाते हैं कच्ची दीवार में। हाँ, प्रधान के पास हम लोग दौड़ रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं कि आवास नहीं मिल पाया, मिलेगा। हाँ। कि जब कोई सोचना आएगा तभी मिलेगा। क्या सांसद, आपके सांसद कमलेश पासवान उनके पास भी गयी थी आप लोग? नहीं, तो जाना चाहिए। हम लोग प्रधान के पास जाएंगे तो बताइए। और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं आप लोग आवास में क्या दिक्कत हो रही, क्यों नहीं मिल रहा है? अब पता नहीं सर जी, कैसी दिक्कत का बा नहीं मिलता। हमने तो प्रधान से, हमने प्रधान के 2-3 महीना दौड़ते उनसे मिलता नहीं बा। अच्छा। प्रधान कहते नहीं आवास नहीं, तब उनको मिली। हमने मड़ई डाडा डिबानी सब आवास मिलता नहीं बा। यहाँ की विधायक सरवण निषाद, उनके पास भी आप लोग गई थे? नहीं, हम लोग ग्राम पंचायत के पास आएंगे ना, प्रधान के पास। हमारा घर एक भी नहीं है, हम लोग कर्जा लेकर के 10 फुट 8 फुट के दवाल चलवा के उसी में रह रहे हैं। वो भी बंदर कूद गया, फूट गया, सब चार पिसान भीज जा रहा है, बारिश हो रहा है। तो प्रधान के पास साल डेढ़ साल से हम दौड़ रहे, प्रधान दे ही नहीं रहे हैं। प्रधान योजना नहीं है। अच्छा, और भी 6-7 फुट तक जिसका दीवार चला हुआ है उनको ये नहीं मिल सकता है। कब से आप लोग दौड़ रही हैं? आज साल एक डेढ़ साल से हम लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब ये मतलब योजना नहीं है कि जिसका 6-7 फुट तक दीवार चला हुआ है उनको ये नहीं मिल सकता है। और हम लोग मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में हम लोग मतलब 6-7 फुट मतलब अपने बच्चों के पालने के लिए 6-7 फुट चला करके दीवार उस पर कटरैन डाल दिए हैं, फिर भी 1-1.5 साल से हम लोग आ रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं ये योजना नहीं है, जिनका मतलब 6-7 फुट तक चला हुआ है उनको नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ की नियम है? तो अपने अपनी मांगों को लेकर आप किनके किनके पास गई? मान लीजिए हम लोग के गांव के जो मुखिया हैं उन्हीं के पास। तो जब मान लीजिए हम लोग तो उतना कहाँ तक हम लोग जो जानेंगे, जिनके पास उन्हीं के पास तो हम लोग जाएंगे। हम लोग को पता नहीं है मतलब किसके पास, तो हम लोग का मुखिया जो है उन्हीं के पास हम लोग आते हैं कि भैया कुछ कीजिए जो हम लोग को मतलब कुछ मिले। तो कहते हैं मतलब अभी इन सब का जिनके 7 फुट तक दीवार है उनको नहीं मिल सकता है। अच्छा, आपके विधायक भी सरवण निषाद हैं, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या कभी उनके पास भी ये समस्या लेकर नहीं गए? नहीं, हम लोग उनके पास नहीं गए। कभी आते होते हैं आपके बीच में?
नहीं हम तो नहीं देखे उनको। अच्छा? देखे नहीं तो कैसे कहेंगे? विधायक जी को देखे नहीं, नहीं। और सांसद जी को? और नहीं वो भी नहीं दिखे, खाली प्रधान लगे आए हम। अब प्रधान से डेढ़ बरिस हो गए दौड़ के आए हैं। वोट वोट देते हैं कि नहीं? वोट सबके देते हैं, कहे नहीं दे। किसको देती है नहीं पता है? मोदी के। मोदी के? और भी अच्छा, विधायक और सांसद कभी आपके बीच में आए? नहीं नहीं, क्यों नहीं आए? कब आते हैं? अब कब आते हैं? हम लोग मांगने नहीं है। जब वोट मांगने तब आते हैं, नहीं तब एक बार दर्शन नहीं लगता है तब क्या करें हम लोग? चुनाव आता तभी आते हैं। हाँ और क्या। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने विधायक को अभी तक ये लोग देख ही नहीं है। विधायक यहाँ के सर्वर निषाद हैं, जो कि इनका कहना साफ साफ कि विधायक जी कभी भी हम लोग के बीच में नहीं आए। जब चुनाव लड़ रहे थे तभी आ रहे थे। और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइए, अपने विधायक को आप यहाँ? नहीं हम कभी नहीं देखे हैं, नहीं अभी नहीं देखे। समस्या वमस्या के लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं, जो लोग करना है तो प्रधान जी से कहते हैं। जीत के गई ना तब से नहीं देखा ना तो कैसे? कौन विधायक, नाम क्या है? हाँ, आप जानी नहीं पवनी लोग कहाँ विधायक है, कहाँ विधायक है। अच्छा आपके विधायक का नाम क्या है? नहीं पता है। और सांसद का? नहीं पता है। खाली प्रधान के नाम बताओ। नहीं नहीं हमको नहीं पता है। अच्छा विधायक कौन है आपके यहाँ का? हमें नहीं पता है। और सांसद? वो भी नहीं पता, नहीं मालूम हम लोग को। सिर्फ प्रधान जी को पता है, प्रधान जी के पास आते हैं। आप प्रधान जी हम लोग को मांगे पूरा करते नहीं, वो बताते नहीं। उन लोग के पास जाइए। अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर।